देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप यहां पर लाइव देखेंगे इस लोन एप्लीकेशन। मैंने कंप्लीट लोन के लिए अप्लाई यहां पर कर दिया है और भाई इस एप्लीकेशन में मैक्सिमम मेरा 16,000 रुपए का यहां पर लोन अप्रूव हो चुका है। आप यहां पर देखिए तो इस स्क्रॉल बार को आप यहां पर कम ज्यादा करके अमाउंट कर सकते हैं। आप यहां पर कम से कम 5,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा यहां पर 16,000 रुपए का लोन आसानी से ही इस लोन एप्लीकेशन से आप लोग ले सकते हैं। इसका जो टेन्योर है आप यहां पर देख सकते हैं, 7 दिन से लेकर पूरे 40 दिन के लिए लोन आप ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहां पर मैं 9,000 रुपए सेलेक्ट करूंगा और यहां पर टाइम पीरियड 7 दिन चुनूंगा तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप लोग यहां पर नीचे देख सकते हैं, कितना एक्स्ट्रा चार्जेज है वो आप यहां पर नीचे देख सकते हैं। तो ये फाइनल दोस्तों अमाउंट मैं यहां पर फिक्स करूंगा एंड नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके जो लोन का पैसा है भाई इजीली मेरे खाते में यहां पर ले पाऊंगा। भाई साहब, कौन सी ये लोन एप्लीकेशन है, किस प्रकार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे एंड भाई कितने से कितने रुपए का ये एप्लीकेशन आपको लोन दे सकती है, मिले हुए लोन पर कितना एक्स्ट्रा चार्जेस, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये एप्लीकेशन आपसे लेगी, लोन वापस लौटाने का टाइम एंड टेन्योर ये एप्लीकेशन आपको कितना देगी, भाई ए टू जेड प्रोसेस में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेसिकली इस लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का जो इंटरफेस है आपको काफी इजी देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ भाई आप अपने आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही इस लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात भाई एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के सभी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको लोन प्रोवाइड करवा देगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और लोन अप्लाई करने का हम लाइव प्रोसेस अभी स्टेप बाय स्टेप करके देखने वाले हैं। तो भाई साहब आप इधर देखेंगे तो मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और फिलहाल हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैंने एप्लीकेशन को छिपाया हुआ है, एप्लीकेशन को ब्लर किया हुआ है। पहले वीडियो का प्रोसेस अच्छे से देख ले, अच्छे से समझ ले किस प्रकार लोन के लिए अप्लाई करना है, इसी के बाद में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा या फिर वीडियो के अंत में एप्लीकेशन का नाम आपको कंफर्म बता दूंगा। तो भाई एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर रेटिंग देखें तो आपको अच्छी रेटिंग देखने को मिल जाएगी। डाउनलोडिंग देखेंगे तो भाई एप्लीकेशन को 1 मिलियन प्लस लोगों ने यहां पर एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। यहां पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करके भी आप यहां पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कितने से कितने रुपए का लोन देगी, कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लेगी। अदरवाइज ये सारी चीज हम यहां पर लाइव लोन अप्लाई करके ही देखने वाले हैं, आपको अबाउट सेक्शन में जाने की कोई भी यहां पर जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों एप्लीकेशन का नाम तो आपको वीडियो के बीच में फिर अंत में मैं आपको बता ही दूंगा। यहां पर लाइव एप्लीकेशन को हम यहां पर इंस्टॉल करके लोन अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो आप लोग यहां पर देखेंगे तो एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है और एप्लीकेशन को ओपन करते ही सबसे पहले आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन में आपको देने होंगे। तो भाई आपके आधार और पैन कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहां पर फिल करना है, हो सके वहां तक आपके बैंक अकाउंट से भी यही मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों मोबाइल नंबर हम यहां पर फिल करेंगे एंड यहां पर लॉग इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी से हमारे मोबाइल नंबर को हम सक्सेसफुली यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। तो भाई साहब यहां पर एप्लीकेशन अंदर हम सक्सेसफुली आ चुके हैं और एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर ऊपर में देखेंगे इंस्टेंट पर्सनल लोन, ये लोन लेने के लिए इसकी कुछ एलिजिबिलिटी यहां पर बताई गई है तो आप यहां पर रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपली हम यहां पर अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई आप यहां पर देख सकते हैं हमारी जो प्रोफाइल है वो हम यहां पर देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कुछ स्टेप्स आपको यहां पर शो हो रही होगी, इन स्टेप्स को आपको यहां पर फॉलो करके सक्सेसफुली लोन के लिए अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले आपको अपना पैन का वेरिफिकेशन यहां पर करना होगा, बेसिक डिटेल डालनी होगी, आपका रेजिडेंशियल जो एड्रेस है आपके घर का एड्रेस है वो एड्रेस देना होगा, आपको पहले इनकम की डिटेल यहां पर देनी होगी एंड आपको अपनी सैलरी अपलोड करनी होगी, फाइनल लोन का पैसा आप अपने खाते में ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर पैन वेरिफिकेशन पर ही क्लिक करेंगे। पैन वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हुए आपके जो पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आप यहां पर फिल करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पैन का वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली यहां पर हो जाएगा। तो भाई साहब आप यहां पर देखेंगे हमारे पैन वेरिफिकेशन के सामने यहां पर ओके का टिक लग चुका है, हमारा पैन वेरिफिकेशन यहां पर हो चुका है। इसके बाद में हम यहां पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके हमारी जो बेसिक डिटेल है वो इस पेज में हम यहां पर डाल देंगे, जैसे हमारा जो नेम है, हमारा जेंडर है, हमारी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से हम यहां पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद में भाई हमारा जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिटल स्टेटस हम यहां पर डालेंगे, हमारी शादी हुई है फिर नहीं हुई है। इसके बाद में आप यहां पर अपने पति पत्नी का नेम आप यहां पर डालेंगे एंड आपकी जो भी पर्सनल ईमेल आईडी है वो पर्सनल ईमेल आईडी आप यहां पर फिल कर देंगे एंड ये तीनों चारों बेसिक डिटेल फिल करके सिंपली आपको यहां पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। ये पर्सनल डिटेल डालकर जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल है वो भी यहां पर कंप्लीटली हो जाती है। इसके बाद में आपको अपने एड्रेस को यहां पर वेरीफाई करना होगा तो आपके आधार कार्ड पर जो आपका डिट्टो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे। लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में आपका एरिया का जो लैंडमार्क है वो लैंडमार्क आप यहां पर फिल करेंगे। आपके एरिया का जो पिन कोड है भाई पिन कोड आप यहां पर डाल सकते हैं सेक्शन वाले पे। इसके बाद में आपका जो स्टेट है वो स्टेट आप यहां पर चुनेंगे, सिटी यहां पर चुनेंगे, आप अपने रेजिडेंशियल टाइप पर क्लिक करेंगे। आप जिस घर पर रहने हैं, अगर आपका खुद का घर है तो भाई आप ऊपर ही ऊपर ओनर पर क्लिक करेंगे या फिर आप किराए के घर पर रहते हैं तो आप यहां पर रेंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहां पर डालेंगे, हम यहां पर ओनर पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो इनकम डिटेल है उसका पेज यहां पर खुल चुका है। तो आप अपना सबसे पहले चुनेंगे कि आप सैलरी पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉई है। इसके बाद में आपकी नेट मंथली जो इनकम है, आप पैसा कमाते हैं, वो इनकम आप यहां पर डालेंगे, आपकी कंपनी का नेम डालेंगे एंड भाई आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन आप यहां पर फिल करेंगे एंड सैलरी डेट आप यहां पर चुन लेंगे कि भाई आपके खाते में जो पैसा आता है वो महीने की किस डेट को आपको मिलता है। तो इस कैलेंडर के माध्यम से आप एक मंथली डेट अपनी यहां पर चुन लेंगे जिस डेट को आपके खाते में पैसा रिसीव किया जाता है।
तो वो डेट आप यहाँ पर चुनेंगे, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, मोड ऑफ सैलरी। अब भाई आपको जिस मोड के थ्रू यहाँ पर सैलरी रिसीव होती है तो आप यहाँ पर बैंक पर, चेक पर या फिर केस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको केस पर क्लिक नहीं करना है, आपको बैंक या फिर चेक पर ही क्लिक करना है। तो आपकी बेसिक सी इनकम डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, इसके बाद में फिर से आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना होगा। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही फाइनल अब आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर क्लिक करनी होगी। तो आपको अपने मोबाइल को बिल्कुल सामने लेकर आना है, अपने मोबाइल के कैमरे को यहाँ पर एक्सेस देना है और आपकी एक अच्छी सी सेल्फी यहाँ पर भाई क्लिक कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर सेल्फी यहाँ पर क्लिक कर ली है। सेल्फी क्लिक होने के बाद में सिंपली आपको सेव के बटन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे लगभग पूरी स्टेप्स यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। पैन वेरिफिकेशन, बेसिक डिटेल, डिजिटल इनकम डिटेल एंड सेल्फी हमारी अपलोड हो चुकी है। अब सिंपली हम यहाँ पर नीचे प्रीव्यू के बटन पर ही क्लिक करेंगे। तो हमारी जितनी भी डिटेल हमने यहाँ पर फिल की है वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर प्रीव्यू के तौर पर देखने को मिल जाएगी। तो इस डिटेल को एक बार आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। सारी डिटेल अगर आपको अच्छी पाई जाती है तो सिंपली आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। तो हमारी सारी डिटेल सही है, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस हमें नजर आएगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, कंटिन्यू टू एप्लीकेशन। इसके बाद में दोस्तों हमारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक की जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे अब आपको हम यहाँ पर लोन ऑफर नजर आएगा। इसके बाद में आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी होगी, आधार कार्ड के थ्रू KYC कंप्लीट करनी होगी एंड आपका बैंक स्टेटमेंट आपको भाई इस एप्लीकेशन में देना होगा। तो फाइनल देखेंगे दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर लोन ऑफर निकल कर आ चुका है। लोन ऑफर में आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई इस एप्लीकेशन से कम से कम आप यहाँ पर 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 16,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। आप इस स्क्रॉल बार को कम ज़्यादा करके अपने अमाउंट को यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, फिक्स आप अपने अमाउंट को यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कम से कम 7 दिन का टाइम ले सकते हैं या फिर लोन वापस लौटाने का जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 40 दिन का ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पर इस एप्लीकेशन में मैक्सिमम 16,000 रुपये का लोन ऑफर मिल चुका है तो भाई आपको ही सेम अमाउंट का यहाँ पर लोन ऑफर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ पर सभी डिटेल अलग अलग होती है, सभी लोगों की जो डिटेल है वो अलग अलग होती है। तो भाई सभी लोगों के लिए जो लोन ऑफर है वो अलग अलग ही आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर जो लोन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर लोन अप्रूव हो जाता है। तो किसी का यहाँ पर 16,000 रुपये का होगा तो किसी का 15,000 रुपये का होगा, किसी का यहाँ पर 20-25-30,000 रुपये का भी हो सकता है तो किसी का यहाँ पर 5,000 रुपये का भी लोन ऑफर यहाँ पर हो सकता है। भाई सिविल के आधार पर और सबकी डिटेल के आधार पर यहाँ पर अलग अलग लोन ऑफर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई आपको जितने रुपए का भी लोन ऑफर होता है वो अमाउंट यहाँ पर फिक्स करेंगे, टाइम आप यहाँ पर चुनेंगे। अगर भाई आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन ऑफर होगा तो यहाँ पर आपको जो लोन वापस लौटने का टाइम है वो भी आपको यहाँ पर ज़्यादा दिया जाएगा। हमारे केस में 16,000 रुपये का लोन बना है तो हमें मैक्सिमम 40 दिन का यहाँ पर टाइम मिला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा भाई आप यहाँ पर टाइम अपना अमाउंट यहाँ पर फिक्स करेंगे कितने रुपये का आप लोन ले रहे हैं। आप जितना अमाउंट यहाँ पर फिक्स करेंगे तो उस अमाउंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और टोटल आपको कितने रुपए पे करना होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको जितना अमाउंट यहाँ पर फिक्स करेंगे उस अमाउंट का जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो सारे चार्जेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर ये चार्जेस को आप यहाँ पर कन्फर्म करेंगे एंड सिंपली आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस नजर आएगा भाई आपको अपने ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो आपके होम के आसपास ही अगर आपका ऑफिस एड्रेस है तो सिंपली आपको यहाँ पर होम के बटन पर क्लिक करना है या फिर आप ऑफिस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड इसके बाद में आपकी जो कंपनी का नेम है वो कंपनी का नेम भाई आप यहाँ पर डालेंगे। कंपनी टाइप पर आप क्लिक करके अपना कंपनी टाइप आप यहाँ पर चुन लेंगे। आपको जो भी डिजिग्नेशन है वो डिजिग्नेशन आप यहाँ पर चुनेंगे। आपके कंपनी का जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में, जिस प्रकार आपने अपने होम का एड्रेस यहाँ पर वेरीफाई करवाया था सेम इसी प्रकार आप अपनी कंपनी का एड्रेस भी यहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आप कंपनी में काम नहीं करते हैं तो भाई आपको यूट्यूब पर काफी सारी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएंगी जिससे कि वीडियो देखकर आप अपनी कंपनी को यहाँ पर भाई वेरीफाई करवा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे आप अपनी कंपनी का एड्रेस वेरीफाई कर लेंगे इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू KYC कंप्लीट करनी होगी। तो आपके आधार कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट के नंबर है वो नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे इन चारों बॉक्स पर एंड सिंपली आपको नीचे गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड के जो कंप्लीट नंबर है वही आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, कैप्चर कोड आप यहाँ पर नीचे फिल करेंगे एंड भाई सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आपके आधार जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी, OTP आप फिल करके आप अपने आधार कार्ड के थ्रू आप अपनी KYC यहाँ पर कंप्लीटली कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जब आप अपने आधार कार्ड के थ्रू KYC कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आधार KYC के सामने भी ओके का चिन्ह देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में भाई आप अपने बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा कम से कम 3 महीने का। इसके बाद में अपने आधार और पैन कार्ड को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आप बेसिकली अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं एंड आप फाइनल आप अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पर दे देंगे। जिस बैंक में लोन का पैसा चाहते हैं वो बैंक की डिटेल आप यहाँ पर देंगे। जब आप अपनी बैंक डिटेल को यहाँ पर सबमिट कर देंगे फाइनल आपको अपना एक लोन एग्रीमेंट कंप्लीट करना होगा एंड ऑटो पे सेटअप करके आप फाइनल अपना लोन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जब फाइनल आप
अपना लोन यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो आधे से एक घंटे के अंदर जो लोन का पैसा है भाई आपके खाते में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी ये लोन एप्लीकेशन है, बेशक आप इस एप्लीकेशन से एक बार लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। अब फाइनल दोस्तों यहाँ पर मैं एप्लीकेशन का नाम रिवील कर देता हूँ कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो भाई लोग आप इधर साइड में देखेंगे तो एक बार फिर से हम मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और सिंपली आपको टाइप करना है ₹112, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और अभी इसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का मैंने कंप्लीट प्रोसीजर आपको दिखा दिया है। दोस्तों एप्लीकेशन ट्रस्टेड है, आरबीआई एंड एनबीएफसी के सभी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपको लोन प्रोवाइड करवाएगी। तो बेशक इस एप्लीकेशन से एक बार आप लोन अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको 101% ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करवा देगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपको और भी कोई कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।